बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो से हम शुरू करने लगे आज यूनिट नंबर 4। ये जो यूनिट है इसका नाम है अलजबरी जुमले, और इंग्लिश में अलजबरिक एक्सप्रेशंस। इसमें उन्होंने कहा कि वो चार टॉपिक कवर करेंगे, अलजबरी जुमले और उनकी इकसाम, अलजबरी जुमलों पर बुनियादी अवामिल, मसलाए बाकी और उसका इस्तेमाल, बुनियादी कुलियात और उनका इस्तेमाल। ये टॉपिक जो है अलजबरे का, गालबन आपको सबसे आसान और सबसे शायद इंटरेस्टिंग भी लगे। अलजबरा जो है ना, सबसे पहले देखते हैं कि अलजबरा है क्या। कि ये चीज़ क्या है, आप में से सब लोगों को कम से कम एक जुबान आती होगी, प्रॉब्ली उर्दू होगी, उसके अलावा बाकी लोगों को मुमकिन है कि पंजाबी आती हो, या कोई पश्तो आती हो, सिंधी आती हो, बलोची आती हो, या कोई और साउथ पंजाब में से कोई ज़ुबान आती हो। वहाँ पे खासा कल्चरल, मतलब एक बड़ा रिच किस्म का कल्चर है। मुमकिन आपको हिंदी आती हो, मुमकिन आपको इंग्लिश आती हो, और बहुत सारी ज़ुबानें आती हों। तो इसी तरह जो, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जो ज़ुबानें, ये क्या होती हैं बेसिकली, आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके जो ख्यालात होते हैं उनको एक्सप्रेस करने में मदद देती हैं, आपको दूसरे लोगों से, जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरे लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में मदद देती हैं। तो अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करना, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना, ये बेसिकली क्या है, ये सब यही चीज़ें ना कि आप इससे ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजारने के लिए बड़े अच्छे टूल्स हैं। आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे बताएंगे कि क्या मसले हैं, फिर उधर से आप उनके मसले कैसे सुनेंगे, आप बाहमी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे जब तक आप दूसरे को समझ नहीं सकेंगे, ठीक है ना। तो इन सब ज़बानों की तरह एक ज़बान और है जिसे हम कहते हैं, गैस करें, नहीं मैं जर्मन की या हिंदी की या फ्रेंच की बात नहीं कर रहा, उस ज़बान का नाम है अलजबरा। अलजबरा जो है ना, ये क्या ज़बान है, मैथ्स की ज़बान है, मैथ्स की लैंग्वेज है, ठीक है। इस लैंग्वेज की खूबी ये है कि ये लैंग्वेज जो है ना, दुनिया के हर कोने में हर इंसान समझ सकता है, एज़ लॉन्ग एज ऑफ कोर्स उसने अलजबरा जब वो पढ़ा हो, वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, उसने मैट्रिक की हो, कुछ इस किस्म के लेवल की एजुकेशन ली हो, ये ज़बान जो है ना वो सारे लोग समझ जाते हैं। बल्कि सच्ची बात यह है कि अलजबरा ज़िंदगी में इतना इस्तेमाल होता है कि हमें बाज़ का पता भी नहीं होता कि हम अलजबरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब मुमकिन ऐसी भी बहुत सारी सूरत हाल हो कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान ना हो, मतलब ये कि उसने एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन जैसे आप लोग ले रहे हैं उन्होंने ना ली हो, फिर भी वो अलजबरे का इस्तेमाल ज़िंदगी में ज़रूर करते हैं, क्योंकि अलजबरा जो है ना, ये मैथ्स की ज़ुबान है। अब आपको ना छोटी छोटी मिसालें दे के, तो फिर हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि अलजबरा क्या चीज़ है, किस तरह इसमें इस्तेमाल होता है, और उसके बाद जो बुक का टॉपिक है ना 4.1 तारुफ इंट्रोडक्शन, उसकी तरफ जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे ना उन्होंने अलजबरे के अंदर जो चीज़ें या एक्सप्रेशंस हैं या उसकी जो चीज़ें ना, उनकी उनके बारे में बात करनी शुरू कर दी है। लेकिन उससे पहले मैं एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने अलजबरा की बनाना चाहता हूँ। जब वो पिक्चर बन जाएगी तो फिर हम बुक का जो 4.1 टॉपिक है ना इंट्रोडक्शन का, फिर उसको देखेंगे, क्योंकि वो बड़ी स्पेसिफिक सी फिर बातें आ जाती हैं। जैसे आप यूँ समझें कि उर्दू है तो उसके अंदर ग्रामर है, उस चीज़ों की डेफिनेशंस है जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तरह से वो वाली चीज़ें हैं जो उन्होंने बुक में बयान की हैं, लेकिन अभी हम ज़रा हायर लेवल पर रह के अलजबरा ही के बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि एक लफ्ज़ है, बल्कि मैं ना इनको थोड़ा सा ना एक लेबल करता हूँ, फिर उसके
बारे में आपसे बात करता हूँ। और ये मे बी मैं एक स्टेप आगे चला जाऊँ, जो चीज़ें आपने बुक में सीखनी है मे बी मुझसे आपको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सिखा दूँ या बता दूँ, यानी कि बुक का सीक्वेंस फॉलो ना करें, तो मे बी आपको कुछ चीज़ें अलजबरे की इक्वेशन सॉल्व अगर मैं कहीं करता हूँ मे बी आपको समझ ना आए, लेकिन आप उसकी फ़िक्र ना करें। आप ना कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये लाइफ में अलजबरा कहाँ कहाँ किस तरह और आपके कितना करीब है, उसकी तरफ तवज्जो दीजिएगा। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में जाने की कोशिश ना कीजिएगा। अच्छा जी, फर्ज करें कि आपको पता है ना उर्दू का एक, नहीं सॉरी, उर्दू का नहीं, इंग्लिश का एक लफ्ज़ है सम, इसे जमा कहते हैं। और ये होता है कि आप इसमें एडिशन करते हैं ना, इंग्लिश का लफ्ज़ है सम। आप मैथमेटिक्स की ज़बान में आप बेसिकली क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं द सम ऑफ माई एज एंड 10 इक्वल्स 27। ये मैंने एक वेबसाइट से चीज़ें ढूंढी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारा मटेरियल मेरा हो, मैं इधर उधर से ज़रूर हेल्प लेता हूँ, और मैं आपको भी इनक्रेज करूँगा कि आप इधर उधर से ज़रूर हेल्प लेके अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएं। तो जहाँ से भी मैंने चीज़ें ली हैं उन लोगों की जो काविशें हैं, हमें यकीनन उनका जो ना शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने ये मटीरियल प्रिपेयर किया। तो बाज़ मैं मटीरियल इधर उधर से इकट्ठा करके आपके लिए लेके आता हूँ वीडियो में। तो देखें, इंग्लिश का लफ्ज़ है सम या उर्दू में कह लें जमा, ऑपरेशन मैथ्स का एडिशन है। और आप जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जी मेरी एज और मेरे उसमें, और अगर उसमें 10 जमा कर दिया जाए तो वो 27 बन जाता है। कोई आपसे पूछता है आपकी एज क्या है, तो आप कहते हैं जी मेरी एज में अगर 10 जमा करते हैं 27 बन जाता है। आप ज़रा फ़नी होने की कोशिश कर रहे हैं या उस बंदे को ऐसे ही ज़रा मजाक कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि आपकी एज फ़र्ज़ करें एक्स है, उसमें 10 जमा करते हैं बराबर आ जाता है 27 के। तो भाई आप ये गौर करें कि ये जो आपने काम किया है ना, इक्वेशन में लिख दिया है, ये आपने अलजबरा बना दिया। तो आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले सादा से अल्फाज के भाई मेरी एज में 10 जमा करते हैं तो 27 हो जाते हैं, उसको आपने देखें अलजबरा की ज़बान में लिख दिया। कितना आसान है। तो आप देख रहे हैं ना कि ज़िंदगी में अलजबरा आपके बहुत ही करीब है, आपकी ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा गुफ्तगू है या मसले मसाइल हैं, बातचीत है, उसको अक्सर उनमें से अक्सर चीज़ों को, जहाँ पे भी आपको कोई ऑपरेशन करना हो, जमा तफरी, कोई ऐसे मसले हल करने हो, प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो अलजबरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब आपको एक और मिसाल देता हूँ। आपने डिफरेंस का नाम सुना होगा ना, फ़र्क, तफरीक, ठीक है। और मैथ्स में इसका जो ऑपरेशन है उसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक मिसाल मैंने एक जगह पढ़ी थी कि जी द डिफरेंस, बल्कि उर्दू में लिखता हूँ, मेरी उम्र और मेरी छोटी बहन की उम्र, ठीक है, मेरी उम्र और मेरी छोटी बहन की उम्र जो के 11 साल की है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जो कि 11 साल की है, ठीक है। मेरी उम्र और मेरी छोटी बहन की उम्र में 5 साल का फ़र्क है। कोई आपसे पूछता है भाई आपकी एक बहन भी है, कि भाई आपकी बहन की क्या उम्र है, तो आप उसे कहते हैं जी कि मेरी और मेरी छोटी बहन की उम्र में 5 साल का फ़र्क है, और मेरी बहन पे आज जो है ना वो 11 साल की है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरी एज क्या है। तो देखें कितना आसान है कि आप फ़र्ज़ करें कि आपकी उम्र जो है वो 11 साल की है, सॉरी आपकी उम्र एक्स है, और आपकी छोटी बहन की उम्र जो है ना वो छोटी बहन है, ये लफ्ज़ गौर कीजिएगा, छोटी बहन, बड़ी नहीं का। तो लिहाजा आप बड़े हो गए, आपकी एज में से बहन की उम्र निकाल दी 11 साल, तो बाकी कितने बचे, 5 साल, है ना। मेरी उम्र और मेरी छोटी बहन की उम्र जो कि 11 साल की है, 5 साल का फ़र्क है, तो ये आपकी एज मनफी आपकी बहन की एज, तो बाकी बराबर 5 साल। तो ये आपने क्या किया भाई, यहाँ पे आपने दोबारा आपने अलजबरे का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अच्छा एक और मिसाल देता हूँ,
शायद मैं ये पूरा का पूरा वीडियो ना आपको अलजबरा समझाने पे ही लगा दूं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको ना एक दफ़ा ज़िंदगी में समझ आ जाए और आपको ना कभी भी परेशानी ना हो, अलजबरा से डरे नहीं आप। क्योंकि हमारा साथ मसला ये है कि अलजबरा जब आप बुक में करना शुरू होते हैं तो फटाफट वो सीधे साधे जंप कर जाते हैं मैथ्स के अंदर। बड़ी मुश्किल होती है हमें ये समझने के भाई इसका मकसद क्या है, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, ये मेरी लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका मेरी लाइफ से क्या ताल्लुक है। तो मेरी कोशिश है कि आपको वो चीज़ समझ में आए ताकि जब आप ज़िंदगी में आगे निकले ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों और आप एक बेहतर प्रोफेशनल बन सकें, चाहे आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आर्किटेक्ट बने, जो भी बनना चाहे मैथमेटिशियन बने, आप बेहतर परफॉर्म कर सकें प्रोडक्ट, ठीक है ना। ज़रा अच्छा इसमें इसके लिए मैथ्स का एक ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसे जी द प्रोडक्ट ऑफ माई एज एंड 14 इज 168। माई एज फर्ज करें एक्स है इसका, और 14 का जो हासिल ज़रब है वो किसके बराबर है, 168 के। देखें यहाँ पे भी आपने अलजेब्रा की इक्वेशन बना दी। अब यहाँ से भी आप एक्स की कीमत निकाल के अपनी एज निकाल सकते हैं, इधर से भी आप एक्स की कीमत निकाल के अपनी एज निकाल सकते हैं, इधर से भी आप एक्स की कीमत निकाल के अपनी एज निकाल सकते हैं, और इसी तरह बहुत सारी और भी हैं। मैं आपको ना वो भी एग्जांपल देता हूँ, चलें पूरा वीडियो इसी पे ही करते हैं। वर्ड ऑपरेशन, वर्ड से मुराद ये कि मैं इंग्लिश या उर्दू ज़बान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल और ये एज एन इक्वेशन, ठीक है। जैसे आपने वर्ड एक है लेस देन, इंग्लिश में उर्दू में कहते हैं ना लेस देन, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑपरेशन फिर आता है सब्ट्रैक्शन का, और इसकी मिसाल देते हैं कि 7 लेस देन माई एज इक्वल्स 32। 7 लेस देन माई एज, मेरी उम्र से 7 कम करें तो वो 32 के बराबर है। तो मेरी अगर उम्र 100 उसमें से 7 कम कर दें, ये 7 कम कर दिए तो वो 32 के बराबर है, मेरी उम्र में से 7 कम कर दें तो 32 के बराबर है। तो ये आपने फिर जनाबे वाला इधर जो है वो अलजबरा इस्तेमाल कर लिया इस मसले को हल करने के लिए, छोटी सी इक्वेशन को हल करने के लिए। इसी तरह एक लफ्ज़ है टोटल का, ठीक है, उसके लिए फिर आप एडिशन का ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी जेब में पैसों की मकदार कर लें, तादाद करके, तादाद बेहतर लगा, तादार और 20 का हासले ज़रब, कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया, 50 है। तो मेरी जेब में फर्ज करें पैसों की तादाद एक्स है, एक्स का हासले ज़रब नहीं सॉरी का कुल कहना चाहिए, मैंने गलत कर दिया, का टोटल लिख लें, उर्दू में भी टोटल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मेरी जेब में पैसों की तादाद और 20 का टोटल 50 है, यानी कि मेरी जेब में अगर एक्स पैसे हैं उनके अंदर मैं 20 डाल दूं तो टोटल 50 हो जाते हैं। तो क्या हुआ, मेरी जेब में 30 हो गए ना, कि 20 को मैं उधर ले जाऊँ तो एक्स 30 के बराबर आ जाएगा। मेरी जेब में पैसों की तादाद और 20 का टोटल 50 है, यहाँ आपने फिर क्या किया, अलजबरा इस्तेमाल कर दिया। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इधर ख़ुद से बहुत सारी बना सकते हैं, लेकिन आपको बताने की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें करते हैं मैथमेटिक्स से मुतल्लिका, जमा तफरीक ज़रब तकसीम, तो ये सारी की सारी बेसिकली अलजबरा जो है ना उससे मुतल्लिका है। तो अलजबरा आपकी ज़िंदगी के ना बहुत ही करीब है। अच्छा जी, अब मैं आपको ना थोड़ी सी ना एक और एक दो चार और एग्जांपल्स देता हूँ, थोड़ी सी ज़रा हायर एक लेवल ऊपर की, ठीक है।
अब जैसे आपने एक मशहूर और मारूफ इक्वेशन सुनी होगी, ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एम ये सी है सॉरी, ये आइंस्टाइन की, ठीक है ना, आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, आइंस्टाइन की इक्वेशन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, कि एनर्जी जो है वो मास और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर उसके बराबर होती है। अब हमें इसकी फिज़िक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहने की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखें इतनी मशहूर इक्वेशन है, क्या है वो, बेसिकली अलजबरा है ना। आपने हज़ार दफ़ा ये शायद पढ़ी हो बुक्स में या अखबार में जरीदों वगैरह में, लेकिन शायद आपने सोचा ना हो कि अलजबरा है, अलजबरा है, लेकिन ये एक्चुअली अलजबरे की ही इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह फ़र्ज़ करें कि एक एग्ज़ाम्पल है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ना पैसे आपकी जेब में जो है ना, फ़र्ज़ करें कि वो 1,000 रुपये हैं। ठीक है, अच्छा अब आप बताएं, अच्छा 1,000 रुपये आपके पास हैं और आप ना पेट्रोल डलवाने गए हैं, पेट्रोल की कीमत फ़र्ज़ करें कि वो 100 रुपये है, पाकिस्तान में शायद 80-85 रुपये इस वक्त है जब मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन लेट्स से कि 100 रुपये है। ठीक है, अब आप कितने 100 रुपये पर लीटर कहता हूँ मैं, तो कितने लीटर आप 1,000 रुपये में ख़रीद सकते हैं, तो इसका क्या जवाब होगा। आप यही करेंगे ना कि फ़र्ज़ करें कि ये 100 रुपये है, ठीक है ना, उसकी आप लीटर ख़रीदेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल आपके पास जो आएगा वो 1,000 आपने खर्च करना। तो ऐसे आप इक्वेशन बना सकते हैं, आप सीधा साधा, आप मतलब आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आप सीधा साधा जेन में कैलकुलेशन करेंगे अपने दिमाग में, ये आपका ज़बरदस्त किस्म का साइंटिफिक ब्रेन है, उसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 1,000 को ऊपर आके 100 से तकसीम करके आप कहेंगे लो जी 10 लीटर पेट्रोल ख़रीदेंगे। लेकिन आपने बेसिकली किया क्या, आपने अपने दिमाग के अंदर ना अलजबरे का ऑपरेशन किया है और आपको शायद पता भी ना चला हो, लेकिन आपने अलजबरा इस्तेमाल किया है। उसको अगर आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो ये 100 रुपीज़ हैं और ये क्या है कि जो कितने लीटर आप ख़रीद सकेंगे, ये जो है वो रुपये पर लीटर, ठीक है ना, 100 रुपये पर लीटर इसकी कीमत है, और ये क्या है कि ये कितने ख़रीद सकते हैं और ये 1,000 टोटल खर्च करने हैं, तो एक्स की कीमत 1,000/100 बराबर है 10 लीटर आ जाएगी। ये हमने मैथ्स के तरीके से किया, लेकिन आपके दिमाग ने आपके शायद अपनी तो आपको शायद पता भी नहीं था और आपने ना ये अलजबरा दिमाग में ये काम किया है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे भी आपने अलजबरा इस्तेमाल किया, हर कोई आप में से गैस डलवाने अपनी मोटरसाइकिल में इधर उधर जाता होगा या अबू की गाड़ी में या किसी के साथ जाते होंगे, वहाँ आपने देखा ना, वहाँ पे वो लगा होता है काउंटर सा लगा होता है, आपने उसको 1,000 रुपये दिए, ठीक है, उन्होंने कीमत लिख के लगाई होती है कि 100 रुपये लीटर, ठीक है, आपने उसे 1,000 रुपये का जो नोट पकड़ाया ये वाला, उस बंदे को जो कि वहाँ खड़ा था काम करने वाला, उसने फटाफट गैस आपकी गाड़ी में डालनी शुरू कर दी, ठीक है, और जूं ही यहाँ पे वाला ये 1,0 और ये फ़र्ज़ करें कि वो जो होता है ना वो इशारिया वाला पार्ट है, मैं इसको ऐसे करके लिखता हूँ, जूं ही 10 हुआ, 10 लीटर उसने खटक से बंद कर दिया। तो भाई ये जो पीछे सारा ऑपरेशन हुआ, ये सारा अलजबरा इस्तेमाल हुआ है ना, तो इससे आप ये भी सोचें कि अलजबरा ज़रूरी नहीं कि वो बैठ के आप जो है वो इक्वेशन बनाएं, अलजबरा ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के ना इक्वेशन बनाएं, बनानी पड़े बना सकते हैं, लेकिन अलजबरा जो है ना, कहना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली भी होता, ये जनाबे वाला ये सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसके अंदर भी अलजबरे का इस्तेमाल हो सकता है, उन्होंने वो इक्वेशंस बिल्ड की हों जिससे चीज़ें कुछ चलना शुरू करें, बंद करें, कोई लाइट जले, कोई और काम हो, मुमकिन है कि जो हार्डवेयर, हार्डवेयर जो होता है ना, जो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई और मैकेनिकल चीज़ें, उसके अंदर उन्होंने अलजबरा इस तरह उसको इसको ऐसा डिज़ाइन किया कि उसके अंदर उन्होंने अलजबरा की इक्वेशन एक तरह से बनाई हो डिज़ाइन के अंदर, तो उसमें भी अलजबरा हो सकता है, आपके दिमाग में, सॉफ्टवेयर में, इक्वेशन में, तरह तरह की जगहों पर
हो सकता है इक्वेशन जो हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर आ सकती हैं, हार्डवेयर के अंदर आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ज़रूरी नहीं आपको नज़र आए, लेकिन अलजेब्रा इस्तेमाल होता है। अच्छा, हर एक के घर में इंशाल्लाह बिजली तो आती होगी, मतलब कनेक्शन होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त आए, लेकिन बिजली आती है ना। लोड शेडिंग का एक बड़ा मसला चल रहा है, बिजली आती है ना। अब बिजली में क्या होता है कि वोल्ट्स होते हैं ना, आप कहते हैं जी 220 वोल्ट है, हम पाकिस्तान में बाज़ ममालिक में 110 वोल्ट है। फिर इसी तरह जो बिजली की तारें हैं उनमें करंट बह रहा होता है ना, करंट, करंट का आप आमतौर पे इक्वेशन आई से या सिंबल आई से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये आपके घर में बिजली आई, ये आपका फ़र्ज़ करें कि पंखा लगा हुआ, ठीक है। तो पंखा जो है ना, एक तरह की रेजिस्टेंस होती है। जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ेंगे आगे हैं, जिनका भी थोड़ा सा नॉलेज है चीज़ों का, तो ये जो ये वोल्टेज है, यहाँ पे आपने स्विच लगाया हुआ 120 वोल्ट या 110, सॉरी हाँ 220 वोल्ट कर लें, तो ये जो ही आप बटन ऑन करते हैं ऐसे करके टिक, तो ये बिजली का करंट ऐसे ना बहना शुरू होता है, इसे करंट कहते हैं। ये एक रेजिस्टेंस होती है। तो जो कितना करंट बहता है वो क्या होता है, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। सादा लफ्ज़ों में आप ये समझे, मैं इसको बड़ा आसान करता हूँ, कि आपके घर की जो बिजली है वो तो 220 वोल्ट, मैं पाकिस्तान की अब बात करूँ, वापडा ने पक्की पक्की 220 वोल्ट कर दी है, ठीक है ना, ये तो है ही है, ठीक है। नीचे जो रेजिस्टेंस है, ये समझे आपके घर का लोड है, घर का बिजली का लोड, इसमें आपकी फ्रिजें शामिल है, इसमें आपके बल्ब शामिल हैं, इसमें आपका अगर एसी लगा हुआ है तो एसी शामिल है, इसमें जो भी आप काम करते हैं। तो बाद में ये जो रिज़ल्ट के तौर पे जो करंट बहता है ना, ये करंट जो भी वैल्यू इसकी आती है, ये आपका घर के बाहर जो मीटर लगा होता है ना, वो करंट नोट करता रहता है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किलो वाट आवर कहते हैं, मतलब मैं बहुत ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेकिन वैसे वो किलो वाट आवर्स होते हैं, लेकिन सादा लफ्ज़ों में वो ये करंट देखता है कितना है, फिर उसको वो पावर वगैरह के साथ कर कर आगे पावर फैक्टर्स वगैरह लगा लगू के वो एक मकदार निकालते हैं, लेकिन आपका करंट देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो सादा करते हैं, कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते। बात ये है कि जो सादा सी जो इक्वेशन है, घर को भी छोड़ दें, करंट जो है वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बराबर है, ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, ये इक्वेशन है ना, और किसकी इक्वेशन है, अलजेब्रे की, पूरा का पूरा वापडा जो है ना इस पे चलता है कि भाई वोल्टेज देंगे, घर का लोड चलेगा, जो करंट करंट बहेगा उसकी बेस पे फिर आपको बिलिंग करेंगे, पूरा सिस्टम इस पे चल रहा, ठीक है। अच्छा, ये वो मिसालें आपने देखी जो आपके बहुत ही करीब हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स मिसालें भी हो सकती हैं, कि जैसे जी आप में से, मेरा ख्याल 9वीं जमात में तो कोई जॉब नहीं करा होगा आप, है ना, आपको एक मैथ्स एक एग्जांपल है मैथ्स की, नॉट मैथ्स की बल्कि फाइनेंस की देता हूँ, और उसके बाद ना मैं एज्यूम करूँगा कि आपको अलजेब्रे की जो है ना वो अहमियत का पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये मेरी लास्ट एग्जाम्पल होगी। मिसाल के तौर पे जी मैं आपको देता हूँ कि जी आप जो है ना, आप ठीक है, आप कंपनी में ना बॉस हैं, ठीक है, ठीक है जी, आपने ना एक मुलाजम रखा हुआ, एक सर्वेंट रखा हुआ, सर्वेंट नहीं कहना चाहिए, मुलाजम रखा हुआ है, एम्प्लॉय रखा है, एम्प्लॉय का लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा बेहतर है, सर्वेंट का लफ्ज़ मैं मिटा देता हूँ, वो कुछ और सेंस में आ जाता है, एम्प्लॉय रखा हुआ। आप जनाबे वाला, इस एम्प्लॉय को आपने क्या करना है कि इसको बजट की, इस ये बड़ा अच्छा एम्प्लॉय है जी, ठीक है, आपने इसे ना 6 महीने के एंड पे ना इसको ना बोनस देना, क्या देना, बोनस देना। बोनस के लिए आपने ना 10,000 रुपये मुख्तस किए हुए हैं, यानी कि आपने
पी के आर पाक रुपीस 10,000 रुपये आपने रखे हुए हैं किसी बोनस देने के लिए, ठीक है। लेकिन चूंकि आपका एम्प्लॉई है, आपने गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह भी शो करने होते हैं, उनको बताना होता है, तो आप सारे 10,000 तो इसे नहीं दे सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट को इस पे आपको टैक्स भी देना है ना। तो गवर्नमेंट को जो आपने टैक्स देना है ना, लेट से कि उसकी मकदार है 10%, कि जो भी आप बोनस या तनख्वाह एम्प्लॉई को देंगे उसका 10% गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। अब आपने बजट कितना किया है, 10,000 रुपये, ये बजट आपका, बजट मींस कि आपने एलोकेट किए हुए हैं एक तरह से साइड पे रखे हुए हैं 10,000 रुपये इसको अब बोनस देने के लिए। अब उसमें से 10% गवर्नमेंट ने ले जाना, तो दैट मींस कि नेट एम्प्लॉई के पास क्या आएगा, ये जो आपका मुलाजम है आप इसे कितने देंगे, ये बताएं ज़रा, ठीक है। तो अगेन आप बेसिकली अलजबरा ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये चूंकि सीधा साधा सवाल है कि आप कहेंगे जी 10,000 का 10% गवर्नमेंट को चला गया, तो इसको जो है ना वो 9,000 मिलेंगे। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। आप इक्वेशन की फॉर्म में करती तो आप फर्ज करिए ये बोनस है प्लस टैक्स है ये 10,000, ठीक है ना, ठीक है। तो टैक्स जो है वो बोनस का क्या होता है, 10% होता है ना, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, टैक्स जो है वो बोनस का जो है वो 10% होता है, तो टैक्स की जगह आप ये लिख सकते हैं इस तरह, बोनस को 0.1% ऑफ बोनस, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये बन जाता है अब बी प्लस 0.1 बी, ये 1.1 बी आता, तो जवाब आता है जी ऐसे करके। तो जवाब बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 10,000 को 1.1 से डिवाइड करेंगे, तो ये जवाब आता है जी 9090 तकरीबन इतना। अब आप कहें मुझे बताएं कि क्या ये जवाब इसके इक्वल है, नहीं नहीं है ना। अब ये ठीक है कि वो ठीक है, असल में ये ठीक है वो गलत है। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात आप जो कैलकुलेशन करते हैं ना जब आपको दिमाग में, तो इंसान जो है ना वो उसके अंदर जो बारीकियां होती हैं ना बाज़ औक़ात उन्हें वो भूल जाता है, गौर नहीं करता। हम हमने ये कहा था कि 10% बोनस लगता है कि जो आप एम्प्लॉय को देंगे उस पे 10%, गवर्नमेंट ये थोड़ा कहती कि आपने जो बजट किया हुआ है बोनस के लिए उसका 10%, नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कि एम्प्लॉय को जो आपने पैसे देने हैं उसका 10% गवर्नमेंट के पास आएगा। यह हमने क्या किया था 9,000 के लिए, कि हमने 10% इसका ले लिया था जो कि गलत बात थी, ठीक है ना। लेकिन जब हमने प्रॉपर तरीके से इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन बना के इस मसले को सॉल्व किया और हमने अपने अलजबरा भाई का इस्तेमाल किया, तो फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिली। तो इस बंदे को आपने कितने पैसे देने हैं, 9090, क्योंकि इसका जो 10% बनता है ना वो गवर्नमेंट को जाएगा। अब देखें इसका 10% मैंने आपको निकाल के दिखाता हूँ, 9090 इंटर चलें, इसका जो 10% बनता है ना वो तकरीबन बनता है, इसका 10% बनता है 909, तो ये चला गया गवर्नमेंट को। अब देखें बजट क्या था, 10,000, अब ये गवर्नमेंट को चला गया, ये बंदे की जेब में चला गया। अब इन दोनों को जमा करके आप बेशक अपना चेक कर लें, 9090 प्लस 909, ये तकरीबन को टोटल करें तो 9999 ये वैल्यू आ जाती है, जो कि तकरीबन 10,000 है, वो कुछ यहाँ पे राउंडिंग वगैरह की थी मैंने, ठीक है। तो अब आपकी इक्वेशन ठीक है। अब आप देखें अगर आपने अलजबरा ना इस्तेमाल किया होता, आप जनाबे वाला फटाफट इसे 9,000 दे देते, तो आपने क्या कर दिया कि बेसिकली इस बंदे का आपने ना हक मार दिया, ठीक है ना, ज्यादती कर दी ना उसके साथ, कि उसको भाई बोनस तो उसका बनता था 9,090 रुपये, आपने इसे 9,000 दे दी, तो आपने ज्यादती कर दी ना। तो पॉइंट मेरा ये है कि अलजबरे की जो इक्वेशन, जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और आपके कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, आपके 15 20 25 एम्प्लॉयज़ हैं
और उनके एक एक पैसे का हिसाब होता है कि भाई किसको कितना देना है, गवर्नमेंट को कितना जाना है। गवर्नमेंट तो आपसे एक पैसा भी नहीं छोड़ेगी, तो आपको सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है ना बैलेंस शीट के ऊपर। तो उस वक्त अगर आप ज़बानी कलामी करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे गलती हो जाएगी। तो फिर आप क्या करते हैं, अलजबरे को इस्तेमाल करते हैं, आप कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो आपका सारा ये काम करते हैं। तो उससे फिर आपकी कैलकुलेशंस ठीक होती हैं और फिर आप इस तरह जो मुल्क के अंदर टैक्स के कवानीन हैं या मुलाज़मीन के कवानीन हैं या और जो मसले मसाइल हैं उन सब को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मैं भाई समराइज़ करता हूँ कि अलजबरा आपकी ज़िंदगी में आप चाहें या ना चाहें, आपको पता हो या ना हो, हर जगह आगे पीछे इस्तेमाल होता है। आप जो कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आई एम श्योर इसके अंदर बहुत सारी इक्वेशंस इस्तेमाल हो रही होंगी, ये मे बी डिस्प्ले करने के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए। आपको अगर कोई पे मिलती है, आपके टीचर्स को पे मिलती है, आपके वाले साहब को, आपकी वालदा को जो पे मिलती है, वो सारी ये कैलकुलेशंस पीछे हो रही होती है ना सिस्टम में, तो सारी अलजबरे की होती हैं। और ये मत भूलिएगा कि अलजबरा सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इक्वेशंस की फॉर्म में किताबों में होता है, आपके दिमाग में भी आप ऑपरेशंस करते हैं। बाज़ जगहों पे वो सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ड होता है, बाज़ जगहों पे वो हार्डवेयर के अंदर बिल्ड होता है। तो साबर सारा होता अलजबरा ही है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि टॉपिक 4.1 को कवर करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे और फिर हम जो बाकी चीज़ें हैं ना वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अब अलजबरे को सीखने के लिए कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा ना, जैसे आप कोई भी ज़बान सीखते हैं आपको पहले समझना पड़ता है कि अच्छा भाई वो उसमें नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं ऐसे करके। तो इस तरह ना इस अलजबरे के अंदर आपको कुछ चीज़ों का पहले बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो 4.1 में वो बेसिक्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और सबसे पहले वो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो मुतगैर और मुस्तकिल मकदार, जिसको हम इंग्लिश में वेरिएबल एंड कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट कहते हैं मुस्तकिल मकदार को, वेरिएबल कहते हैं जो चीज़ तब्दील हो रही है यानी कि मुतगैर। अच्छा जनाब, एज्यूम करें कि आप जाना वो बहुत बड़े साइंसदान हैं और आपने ना एक मशीन बनाई है। ये जनाब आपकी मशीन है, मैं आपको समझाता हूँ कि मशीन क्या करती है। आप जनाब ये आपकी मशीन में आप थोड़ी सी लाइटें वाइटें लगा लें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपने मशीन बनाई है, बल्ब शलब जल रहे हैं आपकी मशीन के ऊपर, ये आपके एंटीने वगैरह लगे हुए हैं। साइंसदान आप, बड़े ज़बरदस्त किस्म की आपने ये मशीन बनाई है, ठीक है। मशीन करती क्या है जनाब, कि आप इसके अंदर कोई नंबर डालते हैं ना नंबर, तो ये क्या करती है उसके अंदर दो को ऐड करके ना आंसर निकाल देती है, नंबर प्लस टू। लिहाजा आपने जनाबे वाला, मैं अब तरतीब से इधर शुरू करने लगा हूँ, आपने नंबर इसके अंदर वन डाला, मशीन में गया, मशीन ने इसको जनाब घुमाया फिर आया मिक्स मुक्स किया, तो मशीन ने इसका जवाब जो है ना वो जवाब में चले इधर लिख देता हूँ टू निकाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, ज़बरदस्त काम किया मशीन ने। अब जनाब इसके अंदर एक और नंबर आप डालते हैं, आपने 50 डाला, नहीं टू नहीं से थ्री निकाला, टू ऐड करना थ्री निकाला आपने, इसके अंदर 50 ऐड किया मशीन में ऐसे करके डाला, मशीन ने घुमाया फिर आया, लाइटें वाइटें जली, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, मशीन ने ना 52 निकाल दिया बाहर इधर से। ये जो आउटपुट है ना ये मैं इधर लिख रहा हूँ। फिर जनाब आपने मशीन के अंदर 1 मिलियन डाला, फ़र्ज़ करें मैं 1 मिलियन को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, पूरी वैल्यू उसकी 6 सिफर होते हैं ये मुझे पता है।
तो मशीन ने जनाबे वाला उसमें से 1 मिलियन एंड 2 का नंबर बाहर निकाल दिया। आप इसके अंदर जनाबे वाला 0 डालते हैं, मशीन पर 2 बार निकाल देती है, ठीक है ना। ज़बरदस्त चीज़ मशीन बनी हुई है, काम की है नहीं है लेकिन मशीन ज़बरदस्त है। अच्छा, आप इसमें नोट करें कि हो क्या रहा है मशीन में, कि मशीन में आप बार बार एक नया नंबर डालते हैं, तो ये जो नंबर आप डाल रहे हैं ना, ये तब्दील हो रहे हैं ना, यानी कि ये वेरिएबल है, वेरी कर रहे हैं ना, इंग्लिश के लफ्ज़ के मुताबिक ये वेरी कर रहे हैं ना। जो चीज़ वेरी कर रही है आप उसे वेरिएबल कह लें, और वेरिएबल को आप उर्दू में मतगैर कह लें। और मशीन के अंदर ये जो 2 है ये तो चेंज नहीं हो रहा, मशीन तो ऐड ही 2 कर रही है इसके अंदर, तो ये 2 कांस्टेंट है ना, मतलब मुस्तकिल मकदार है ना। इंग्लिश में इसे कांस्टेंट कहते हैं, उर्दू में इसे मुस्तकिल मकदार कह लें। पर यहाँ से आपका आंसर निकल रहा है। तब इस मशीन के अंदर देखें वेरिएबल क्या है, ये नंबर कांस्टेंट क्या है 2, और उससे जवाब निकल रहा है। तो जनाबे वाला आपको चीज़ आई एम श्योर के समझ आ गई होगी। तो जनाब आपने क्या किया है कि डिफाइन कर दिया है कि जो चीज़ तब्दील हो उसको हम मुतगैर कहते हैं, और जो चीज़ कांस्टेंट हो उसे हम जो है वो कांस्टेंट या मुस्तकिल मकदार कहती है। और इस मशीन के लिए ये जो आपने मशीन बनाई है, फ़र्ज़ करें कि इसको मैं अलजबरा कह लेता हूँ या अलजबरे की मशीन कह लेता हूँ, तो याद रखें कि जो चीज़ कांस्टेंट है वो है, वो ऐसी चीज़ है जो तब्दील नहीं होती। वेरिएबल वो चीज़ है जो कि तब्दील होती रहती है, कभी 2 है, 50 है, 100 है, 150 है, मनफी 1 है, जो भी उसकी वैल्यू तब्दील होती है, ठीक है, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जेन में रहे कि जब आप वेरिएबल की बात करते हैं ना, तो आप अमूमन उनके लिए एक्स लिखते हैं, वाई, जी, ए, बी, सी, इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि इसका इनका मतलब ये होता है कि ये अननोन है, हमें इनका पता नहीं है, या वेरिएबल है। अननोन भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने उसी तरह इनकी वैल्यूज़ वगैरह निकालनी होती है, तो ये सिंबल्स इस तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आपको आप वेरिएबल और कांस्टेंट का एक वैसे कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया है ना। अच्छा, अब आपको वापस बुक की तरफ लेके जाता हूँ, बुक के बारे में बात, बुक में जो उन्होंने लिखा है वो बात करते हैं। मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जी ए सेट है, उसके वो ऐसे अरकान एक्स पर मुश्तमिल है, या पहले कर चुके हैं, जबकि एक्स जो है ना वो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और एक्स जो है वो छोटा है या बराबर है 10 के। तो आप देखेंगे कि छोटा या बराबर है 10 के कुदरती अदाद कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस इक्वेशन इक्वेशन इस सेट में वेरिएबल क्या है, एक्स, और उसकी वैल्यू देखें क्या हो सकती है, कभी 1 है, 2 भी हो सकती है, उसकी 3 भी वैल्यू हो सकती है, उसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी, और 10 भी। लिहाजा इसकी वैल्यू डिपेंड करता है कि आपका आगे मकसद क्या है, लेकिन इसकी वैल्यू तब्दील हो सकती है ना, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो ये आपका वेरिएबल है, ठीक है जी। अच्छा, अब इस वेरिएबल के बुक में उन्होंने मज़ीद बताया हुआ है कि अच्छा एक और चीज़, ये वेरिएबल है लेकिन ये नंबर इट्सेल्फ, नंबर खुद, ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, सारे के सारे, सारे के सारे। तो वेरिएबल ये है जिसकी वैल्यू कभी 1 होगी, 2, 3, 4 होगी, ये वेरिएबल है, लेकिन ये नंबर बजाते खुद तो कांस्टेंट है, मतलब मुस्तकिल मुस्तकिल मकदार है ना। 2 का मतलब 2 ही है ना, 2 का मतलब ये तो नहीं, 2 का मतलब ये तो नहीं ना कि आज 2 है तो कल 3 है तो परसों 4 है और उसके बाद 6 है, 2 तो 2 ही है, तो ये मुस्तकिल मकदार हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इस वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, ये सारी, इस वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज़ ये सारी है ना,
तो ये जो सेट है ना, ये डोमेन सेट है। क्या है? डोमेन सेट है। डोमेन सेट, ये डोमेन सेट है किसका? ऑफ एक्स। तो एक्स का जो डोमेन सेट है वो ये है, और ये डोमेन सेट है एक्स। मतलब एक ही बात, मैं कभी इधर से बात करूँ, इधर से बात करूँ, बात वही है कि वेरिएबल एक्स का जो डोमेन सेट है वो ये है। डोमेन सेट का मतलब ये है कि एक्स वेरिएबल या जो भी वेरिएबल है उसकी जो तमाम मुमकिन वैल्यूज़ हैं उसे उसका डोमेन सेट कहते हैं। तो इस के अंदर पॉसिबल वैल्यूज़ ये आती हैं, तो ये उसका डोमेन सेट है। तो ये उन्होंने बुक में बताया हुआ है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बुक में उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, उस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल पेज 65 के है कि जी उन्होंने एक इक्वेशन लिखी है जी 2x = 3। अब वो बता रहे हैं कि x इसमें जो है ना, x ये मुतगैर है, ठीक है, और दो, और ये तो कांस्टेंट है ही हैं, वेरिएबल ये है, और जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना वो 3/2 आएगी। ये जो इसका रिजल्ट आया ना, ये बजाते खुद एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस कि कोई भी क्वांटिटी हो जो कांस्टेंट हो, मतलब मैं ना 5 है तो 5 ही है वो, 10 है तो 10 ही है। 10 ये तो नहीं है कि वो 10 को आप 9 समझ लें या 10 को आप 1000 समझ लें या लाख समझ लें, 10 तो 10 ही है। तो एक तरह से बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये चीज़ वेरिएबल है। और उन्होंने बुक में सॉल्व करके बताया कि एक्स 3/2 के बराबर है, तो वो 3/2 आंसर जो है वो एक कांस्टेंट है। अगला कॉन्सेप्ट जो वो दे रहे हैं ना किताब में, वो है अददी सर और कुवत नुमा। अददी सर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कोएफिशिएंट, कुवत नुमा कहते हैं एक्सपोनेंट को। अब जैसे आप 3x लिखते हैं, तो 3 जो है ना वो कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये वेरिएबल है। आपको पता है ना 3x लिखा, उसका मतलब ये था कि x^1, तो ये क्या है? एक्सपोनेंट। एक और मिसाल लेता हूँ, जैसे मैं इसको अब 3x² कर देता हूँ, तो ये कोएफिशिएंट है, यानी कि अददी सर, अदद का सर है ना, अददी सर है, सर है ना, इसके पहले आ रहा है, हालांकि सर ये ऊपर है लेकिन ये ऊपर सर नहीं, ये पावर है इसकी, ठीक है। ये आपका वेरिएबल है और ये आपका एक्सपोनेंट है। बुक में उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है, जैसे बाज़ का ऐसा होता है कि ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, 6x² y 3, y³ है भाई, इसमें ये कोएफिशिएंट है, ये और ये वेरिएबल है, और ये दो और ये तीन, ये जनाब बोलो एक्सपोनेंट है, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गई होगी कि वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सपोनेंट क्या होता है, और ये कोएफिशिएंट क्या होता है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमने पेज 65 पूरा का पूरा कवर कर लिया है। इस अगला कॉन्सेप्ट जो है 4.1.1 आर्टिकल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो उसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।